Hello everyone, today we are going to study the part 2 of the chapter Indian Economy, Goals, Features, Problems and Policies. Bharatiya Arthavyavastha, Laksh, Visheshta, Samasya aur Neetiyan. Iske pehle part mein humne padha tha ki economic system kya hai aur types of economic system, jisme humne samjha tha capitalist economy, socialist economy एंड मिक्स्ड इकॉनमी का क्या मीनिंग है, यानी कि हिंदी में कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था. तो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है वो किस टाइप की इकॉनमी है? तो हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है. यहाँ तक हमने पार्ट 1 जो वीडियो था चैप्टर 2 का उसमें हमने समझा था. और आज हम जो समझेंगे वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, इंडिया में इसकी ज़रूरत क्यों हुई. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, यानी जब इंडिया फ्री हुआ था, तो उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. जैसा कि हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसी कंडीशन थी, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी. इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, या इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें इंडिया के तो वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था. तो ऐसी कंडीशन थी हमारी इकॉनमी की जब इंडिया फ्री हुआ था, यानी कि इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. द कॉलोनियल गवर्नमेंट लेफ्ट इंडिया इन अ पुअर बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट सिचुएशन. यानी कि भारत जो है, यानी इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और साम्राज्यवादी सरकार ने इसे एक निर्धन, पिछड़ी हुई एवं गतिहीन स्थिति में छोड़ा था. तो इसको ठीक करने के लिए, इस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत थी. ठीक है, जैसे हम भी कोई काम करते हैं तो हम एक प्लान बना करके आगे बढ़ते हैं. तो हमारा इंडिया जब फ्री हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारी इंडियन इकॉनमी को भी एक प्लानिंग की ज़रूरत थी. तो हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए जो प्लानिंग की गई उस वो क्या कहलाई कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मीनिंग है, यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स प्लान कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन इकॉनमी टू अचीव सर्टेन प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम. यानी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना. यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका एक प्लांट वे में यूटिलाइजेशन करना, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको सही तरीके से हम यूटिलाइज करें, और ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो डेवलप कर सके. ठीक है, तो ऐसी प्लानिंग जो कि इकॉनमी के लिए की गई अवेलेबल रिसोर्सेज के द्वारा वो कहलाया इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इस प्रकार जो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बना, जिसको हिंदी में कहेंगे योजना आयोग. प्लानिंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन मार्च 15, 1950. तो ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो 1950 में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों को आंकने तथा इनके आधार पर आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई कि किस टाइप से प्लानिंग की जाए, या फिर उसका क्या कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा वो प्लानिंग होगा, किस सेक्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए. तो इन सब प्लानिंग को करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बना, जिसको हिंदी में कहेंगे योजना आयोग. ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, यानी प्लानिंग कमीशन जो है वो कब बना था. तो मार्च 15, 1950 में. ठीक है,
उसके बाद इसका नाम जो है बदल करके 2015 में नीति आयोग रख दिया गया। जो प्लानिंग कमीशन नाम पड़ा था 1950 में, उसका 1 जनवरी 2015 को उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्लानिंग की गई वो 5-5 साल के लिए की गई, जिसका नाम दिया गया 5-year plans एंड एनुअल प्लान्स इन इंडिया। तो 5 साल के लिए जो प्लान्स बनाए जाते थे और उसको कहा गया 5-year plans। तो 5 साल के लिए यानी कि किस सेक्टर को प्रायोरिटी दिया जाए या फिर किस सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबको नज़र में रखते हुए प्लान बनाया जाता था प्लानिंग कमीशन की तरफ से। और जैसे कि फर्स्ट 5-year plan का टाइम पीरियड था 1951 to 1956, यानी 1 अप्रैल 1951 to 31 मार्च 1956। यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 5-year plan से लेकर के 12 5-year plan तक चला है अभी तक। तो 12 5-year plan जो है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, यानी कि अभी तक इंडिया में 12 5-year plan कंप्लीट हो चुके हैं। और उसका टाइम पीरियड यहाँ दिखाया गया है। तो जैसे फर्स्ट 5-year plan 1951 to 1956, सेकेंड 5-year plan 1956 to 1961, एंड थर्ड 5-year plan 1961 to 1966। उसके बाद 3 annual plans चले। ठीक है, तो कई कारणों से 5-year plan को उस टाइम में कंटिन्यू नहीं किया गया, तो 3 annual plans चले एक एक साल के लिए, जिसका टाइम पीरियड था 1966 to 1969। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि 3 जो annual plans चले थे उसकी डेट क्या है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है। तो 1966 to 1969। उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ 4th 5-year plan, फिर 5th 5-year plan, फिर एनुअल प्लान आया जिसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1979 to 31 मार्च 1980। उसके बाद फिर 6th 5-year plan, 7th 5-year plan, और फिर से एनुअल प्लान आया। 2 annual plans आए थे इस टाइम पीरियड में। तो उसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1992 to 31 मार्च 1992। और फिर से 8th 5-year plan चला, फिर 9 5-year plan, इस टाइप से 12 5-year plan अभी तक हमारे कंट्री में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मीनिंग क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का, और प्लानिंग कमीशन कब बना, तो 1950 में। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 5-year plans का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम दूसरे लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।